का फिर से स्वागत है। ये यहाँ पे एक कैनल है और कैनल के किनारे हम लोग को तिल का जो एक छोटा पेड़ है वो नज़र आया है। मैं आपको इसकी पहचान करवा देता हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह के फूल लगते हैं। ये घंटी आकार के फूल है। ये देखिए, ये बेबी पिंक कलर का फूल है और इस फूल को आप अगर देखें तो इसको रुएं भी हैं इसके ऊपर। इस फूल के ऊपर आपको रुएं नज़र आएंगे। इसके पत्ते ऐसे आपको पतले नज़र आएंगे ऊपर से। ये इस पेड़ के ऊपर ऊपर जो पत्ते होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं, लेकिन यही अगर इस पेड़ के नीचे पत्ते देखें तो लंबे और चौड़े पत्ते होते हैं। ये पत्ता अगर देखें तो ये लंबा और चौड़ा है। और नीचे अगर इस पेड़ के देखें तो और पत्तों का शेप अलग हो जाता है। काफ़ी बार ये इस तरह का हो जाता है और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में दिखाऊंगा, जो आपको यकीनन किसी भी चैनल पे आपको कोई नहीं दिखाएगा। मैं आपको इसकी कलियाँ दिखाऊंगा। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको येल्लो कलियाँ लगी हुई हैं। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कली है, ये कली में से ये फूल बनता है और इस फूल में से ये छोटी सी कैप्सूल जैसा इसका फल बनता है। और जब ये पूरा पेड़ सूख जाएगा तब ये कैप्सूलें काली हो जाएंगी और उसमें से ये ऊपर से फूटेंगी। आपको इस फल के ऊपर, कैप्सूल जैसे फल के ऊपर आपको ये पॉइंटेड नोक नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ये फल खुलता है और अंदर से तिल निकलते हैं बाहर। लेकिन इसमें अभी भी तिल जो है वो अभी ये कच्चे स्टेज में है। कच्चे स्टेज में अगर ये तिल खाते हैं तो ये बहुत ही बकबके लगते हैं, आपको उल्टी करवा देंगे, आपको उल्टी हो जाएगी। अब तिल के फायदे देख लेते हैं। तिल एक महान जड़ी बूटी है। इसके गुणों की बात करूं तो ये स्वभाव में गर्म होता है और ये क्षारीय होता है। ये इसका बहुत ही अच्छा गुण है, इसलिए ये आयु को बढ़ाता है, आदमी को स्वस्थ रखता है। जितनी भी क्षारीय चीज़ें आदमी खाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और उसकी आयु बढ़ती है। तो क्योंकि ये गर्म प्रकृति का है तो इसे ठंड में इसका सेवन करना चाहिए। तो इसलिए आप अगर देखें तो मकर संक्रांति के आसपास तिल गुड़ खाने का बड़ा चलन है। तो ये गुड़ के साथ आप चिक्की बना करके भी खा सकते हैं। इससे हर कोई, इस तरह से तिल का सेवन हर कोई कर सकता है, मज़े के साथ कर सकता है और इससे फ़ायदा भी ये ले सकता है। तिल के फायदे ऊपर से नीचे अगर देखें तो तिल जो है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एक्चुअली इसके पुष्पों के, इसके फूलों के ऊपर जो ओस की बूंदें गिरती हैं वो बूंदें इकट्ठा कर करके एक एक बूंद आँखों में डालने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ओस गिरे ही फूलों पे। तो मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बता दूँ, आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें पानी भर करके और ऐसे हवा में आप पानी को स्प्रे कीजिए और नीचे तिल का अगर पौधा है उस पर वो सारा पानी गिरेगा। फिर 4-1 घंटे के बाद
वो फूलों के ऊपर जो पानी गिरा हुआ होगा उसको इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से भी किया जा सकता है, समझे, सुबह 3 बजे या 4 बजे इस तरह से स्प्रे किया जाए और 6-7 बजे अगर इकट्ठा किया जाए तो वो पानी आँखों में डाला जा सकता है और इससे आँखें बहुत उनको फ़ायदा होता है। और आगे बढ़ते हैं, ये ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर मुंह में कुछ भी परेशानी है, मसूड़ों में या दांत में सड़न या कुछ ऐसे इश्यूज़ है, तो 2 चम्मच जैसा अगर तिल चबाते हैं, काले तिल ज़्यादा इसमें गुणकारी होते हैं, चबाते जाए तिल और बाद में या तो थूक दें या तो निगल लें, ऐसा हर रोज़ करते हैं तो ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा होता है। और नीचे आते हैं गले के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो तिल को रेगुलरली खाने से खांसी नहीं होती है। गुड़ की भी तासीर गर्म होती है तो तिल गुड़ भी गुड़ के साथ मिक्स करके भी ऐसे अगर हर रोज़ सेवन करते हैं ठंडी में तो खांसी नहीं होती है, कफ नहीं होता है। तो ये गर्म होता है इसलिए कफ को और वात का ये दोनों का शमन करता है। और नीचे आते हैं, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा अधिक होती है। और तिल पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर पेट में कोई परेशानी है या फिर स्पेशली भूख अगर लगती नहीं है उसकी परेशानी है, ऐसे में तिल का रेगुलरली सेवन करने से भूख लगने लगती है दबा करके। और ये स्पेशली एक खरपतवार है, और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी खरपतवार होते हैं, तिल का पौधा जो है वो खरपतवार है, और खरपतवार सारे मूत्र विकारों के लिए और किडनीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो तिल के सेवन से सारे मूत्र विकार भी दूर होते हैं। अगर किसी को रुक रुक के पेशाब होती है या फिर बहुमूत्र की परेशानी है, दोनों में ही गोखरू के साथ तिल का स्पेशली काले तिल का सेवन करते हैं तो ये सारे हर तरह के मूत्र विकार दूर होते हैं। ये जहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ मूत्र विकार दूर करने की बात होती है, अगर कोई जड़ी बूटी ऐसा करती है तो वो इनडायरेक्टली वो किडनी के लिए भी अच्छी होती है। तो ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है या फिर किडनी में पथरी है, इस ऐसे में भी दूसरे जड़ी बूटियों के साथ तिल का सेवन करते हैं तो अत्यंत लाभकारी है। और ये शक्तिवर्धक भी होता है और ये काम शक्ति बढ़ाता है, सेक्स करने की क्षमता बढ़ाता है और ये हर तरह के STDs भी दूर करता है। तो किसी को अगर किसी भी तरह का STD हुआ है तो उसमें भी तिल का सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और नीचे आते हैं, जैसे मैंने बताया ये गर्म होता है, कफ और वात का शमन करता है, तो ये हर तरह के वात के विकारों में भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी को अगर जोड़ों में दर्द है, सूजन है या फिर किसी भी तरह का वात रोग है, उसमें भी तिल बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे अश्वगंधा लिया जाता है या फिर मरुआ लेते हैं या हल्दी सौंठ लेते हैं, उसके साथ अगर तिल का भी सेवन किया जाए तो वात रोग तेज़ी से कम होते हैं, दर्द सूजन ये कम हो जाता है और कहीं पे भी घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, ये सब ठीक होता है। वैसे तिल एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसका हर एक आदमी को रेगुलरली सेवन करना चाहिए, स्पेशली ठंड में तो इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हे, आप जानते हैं मैं हमेशा ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।